एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ विद योर होस्ट शिवानी। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टीवी टाउन की एक ऐसी खूबसूरत सी लव स्टोरी जिसे सुनने के बाद आपको भी हो जाएगा प्यार से और भी ज्यादा प्यार। जी हाँ, ये एक ऐसा ऑन स्क्रीन कपल है जो कि रियल लाइफ में बेहद रोमांटिक तरीके से अपने हर एक मोमेंट को करता है सेलिब्रेट। और आज हम आपको दिखाएंगे बल्कि सुनवाएंगे खुद इन्हीं के मुंह से इन दोनों की ये खूबसूरत सी लव स्टोरी। लेकिन उससे पहले आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देते हैं कि हम आखिर किन दो खूबसूरत लोगों की बात कर रहे हैं। वेल, हम बात कर रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाने वाले नील मोथवानी की, जिन्हें आपने ये है मोहब्बतें, वारिस और बहु हमारी रजनीकांत जैसे सीरियल्स में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाते हुए देखा होगा। तो ऑन द अदर हैंड उनका साथ देती रियल लाइफ से लेकर ऑन स्क्रीन जो नज़र आती हैं वो है उनकी बेटर हाफ, वो है उनकी गर्लफ्रेंड जिनका नाम है टीवी एक्ट्रेस खूबसूरत सी विंध्या तिवारी, जिन्हें आपने अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो में एक ऐसे दमदार रोल में देखा होगा जहां ना उनके एक्टिंग की बल्कि उनकी खूबसूरती की भी काफी ज्यादा चर्चा हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं खूबसूरत सी जर्नी और आपको सुनवाते हैं इन दोनों की ही जुबानी इन दोनों के ये प्यार का सफर। सो यार, ओके नील से आपसे जानना चाहिए कि टीवी में आपने 6 महीने से मेहनत की थी, उसके पीछे आइडिया कहां से आया था आपको? आइडिया एज इन 6 महीने से मेहनत, पहले मैं ये कर रहा था कि इसे जब भी मैं रेस्टोरेंट ले जाता था तो मैं जैसे इसके शोज़ है मर्यादा, तो उसके बारे में बात करता था। अच्छा विंध्या, मर्यादा में तुम्हारे कौन दोस्त थे और वो कैसे थे? तो ये बोलती जाती थी तो मैं चुपके से होता था, कमिंग, बाथरूम में जाके नोट डाउन करता था, इसके सामने नहीं। तो ये प्रोसेस जो है कि इसके ख़ास लोग कौन हैं, यू नो, ये 6 महीने लग गए मुझे पूरा एग्जीक्यूट करने को। आज भी सुबह में जो प्लान किया था मैंने उसके लिए प्लानिंग प्रॉपर, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। आई वांट टू टेल यू ऑल दैट आज सुबह से मेरे साथ क्या हो रहा है। सुबह 7 बजे लास्ट मैं इनसे मिली और उसके बाद मैं इनसे मिली नहीं, और उसके बाद मेरी कभी कोई सरप्राइज़ दे रहा है, कभी कोई सरप्राइज़ दे रहा है। आपने जो ये ड्रेस देखी है मुझे पहने हुए विद अमेजिंग बैक, ही हैज़ गॉट इट डन एक डिज़ाइनर से, एक रात में इन्होंने बनाया है। क्योंकि कल ऐसे ही एक डिस्कशन हो रहा था तो मैंने ये कहीं बहुत हॉलीवुड में कहीं ये देखी थी किसी एक्ट्रेस को पहने हुए, तो मैंने इनको कहा कि ये कितनी प्यारी ड्रेस है ना, लेकिन यार शिट, काश मैं इसको पहन पाती। और मुझे नहीं पता कि कैसे बनाया, क्या किया, और इन्होंने मुझे अपनी डिज़ाइनर के पास भेजा जो कि मैं गई उनके पास में, और उन्होंने मुझे बताया कि ये कल आए और उन्होंने सब कुछ प्लान किया। और आज सुबह जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ये ड्रेस एक मास्क पहने हुए इंसान था, मुझे नहीं पता वो कौन था, अभी भी मुझे नहीं पता वो कौन था। माय फेस मास्क मैंने बनवाए थे, इसमें मेरा फेस है। और मैंने दरवाजा खोला और somebody with his mask and I was like, oh my god, what is this? And there was this camera who was being operated by, captured by one of his friend. तो मैंने उनको देखा तो मैं समझ गई कि obviously it's a surprise. And then जब वो ड्रेस देखी और उसे देखा तो आई वॉज इन शॉक, बिकॉज ऑब्वियसली कल ही मैंने ये बात की थी, और 24 घंटे में एक ड्रेस बनाना वो भी प्रॉपर फिट के साथ में, हैट्स ऑफ ड्यूड, हैट्स ऑफ। मेजरमेंट्स भी चुरा रहा था 6 महीने से मेरे मेल में से, आई थिंक मेरे सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में से। आई थिंक द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इन टूडेज वर्ल्ड इज दैट एफर्ट, effort is very beautiful, effort is kind of very very sexy. I feel that nobody in this world tries to make a effort, aur ye jo ye effort karte hain ek ek cheez ke liye, ek ek taritam ko jodte hain, ek ek baat ko samajhte hain, aur मुझे मतलब सच में एक एक चीज़ जो आप आज देख रहे हैं मुझे पहने हुए, इनफैक्ट मेरा मेकअप, हेयर, एवरीथिंग, ही मेड श्योर दैट यू नो ही नोज़ माय प्रोफेशन, ही रिस्पेक्ट्स माय प्रोफेशन एंड ही नोज़ कि व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल आई एम। अगर मुझे जाना होगा बर्थडे में और अच्छे से तैयार होकर जाना होगा तो व्हाट शी विल रिक्वायर एंड व्हाट आई हैव टू डू फॉर हर, दैट वाज लाइक वी नो ईच अदर्स चॉइस, बिकॉज जब भी हम मॉल शॉपिंग के लिए जाते हैं I'm good with shopping, so I pick very, मतलब very quickly I pick if I like something. So I say, Vinda, that is the one. अब होता क्या, इसने भी वही देखी चीज देखी होती है। 29.5 to be precise. 29.5. काफी मैच करते हैं तो that way it becomes easier. Okay, finally आज बर्थडे हो गया, आपके जो भी फैंस हैं वो एक ही चीज इंतजार कर रही है, आप दोनों के एंगेजमेंट और मैरिज, उसके बारे में आप कुछ बता सके, क्या प्लानिंग चल रही है, कब होने वाली है? देखिए, शादी तो हो चुकी है मेरी और इसकी, स्वर्ग में, नीचे धरती पे मंत्र पढ़ना बाकी है। तो वो कब, कुछ डेट फाइनल हुआ है, कब होने वाला है?
अगर कुछ रिवील करना चाहे, आज बर्थडे के दिन बहुत ही अच्छा दिन है आज। जी जी बिल्कुल, हमारे जो पंडित जी हैं उस पे उन पे हमें काफ़ी विश्वास है। आपको भी पता है कि हमारा जो रिश्ता है वो कमिटमेंट से शुरू हुआ है, आप सबको ये बात बताए तो। पंडित जी डेट निकाल रहे हैं और जो उनको ऐसा लगेगा कि ये डेट सबसे ज़्यादा शुभ है वो तुरंत आप लोगों के जरिए हम पंडित जी बहुत बिजी हैं वो अमिताभ बच्चन जी के पंडित जी हैं, उनको बड़े बड़े जो स्टार्स हैं वो छोड़ नहीं रहे, तो जब उनको हमारी गुहार सुनाई देगी तो ज़रूर एक डेट निकलेगी। ऑन सीरियस नोट, लाइक ऑफ कोर्स बहुत जल्दी आपको सुनाई देगी, ऐसी बात नहीं है कि हम रिवील नहीं करना चाहते, पर अभी बिकॉज विंध्या इज ऑल्सो वर्किंग, आई एम ऑल्सो वर्किंग एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, लाइक आई एम पुटिंग अ बिजनेस, सो वी आर सो मच बिजी विद वर्क एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, तो अभी हम इसीलिए कोई ऐसी फाइनल डेट नहीं निकाल रहे। और दूसरी बात, 29.5 जैसे इन्होंने बताया, वी आर वेरी अनप्रडिक्टेबल, सो अगर मैं विंध्या जी को कहता हूँ फ़ोन करके कि आइए नीचे एक चाय पीने जाते हैं, तो बरमुडा शॉर्ट्स में मैं होता हूँ, शॉर्ट्स में, और ये बड़े घर के कपड़ों में होती है, और हम लोग सिर्फ चाय पीते पीते लोनावला निकल जाते हैं, और एक बार लवासा, लवासा चले जाते हैं, कहीं पे भी चले जाते हैं, तो वेरी अनप्रडिक्टेबल, सो यू नेवर नो कि आज ये बर्थडे पार्टी है और आपको तीन दिन बाद पता चले कि हम आपको इनवाइट करें शादी के लिए। कोई भरोसा नहीं है, ये मुझे हेलीकॉप्टर बुलाएंगे, हो सकता है इसी के ऊपर ही अभी बोले कि हेलीकॉप्टर आ गया विंध्या, सीढ़ी चढ़ो और बैठते हो और बनारस चलते हो, नागपुर चलते हो, इनका कोई भरोसा नहीं है। ओके, लास्टली सवाल, कहते हैं कि बर्थडे में जो विश मांगते हैं वो पूरी होती है, तो क्या ऐसी कोई विश मांगना चाहेंगे आज के दिन में? आज मैं इनसे जब नहीं मिल पाई थी तो इन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया था, ये टेंपल का ऑर्गेनाइज किया था, कुछ गरीब बच्चे थे वो लोग सड़क पर आए और उन लोगों ने मुझे अचानक से जब मास्क पहन के और मुझे गिफ्ट्स देना शुरू किया और फिर मैंने उनको बदले में गिफ्ट्स दिया, क्योंकि एक और लड़का था जो इन्होंने मुझे बोला कि विंध्या जी आप इनको चॉकलेट्स दीजिए, सो एवरीथिंग टुडे वाज वेरी वेरी डिवाइन, आई हैड लिटरली, मैं सिर्फ ब्लश कर रही थी पूरे टाइम, आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स, और मैं अभी आकर इनसे मिल रही हूँ, आई वॉज डाइंग टू मीट हिम, क्योंकि ये मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, कुछ नहीं, बस इन्होंने कहा था आप रेडी हो जाओ, हम दोनों कहीं आज बहुत खूबसूरत सी जगह चलने वाले हैं, सो दैट्स द रीज़न मैंने सोचा कि जो इन्होंने ड्रेस दी है वही पहन कर चलती हूँ, एंड आई वॉज नॉट नोइंग कि ये कुछ होने वाला है, आप लोगों के सामने ऐसे हम मिलने वाले हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट विथ यू, जो भगवान जो विश की बात आप मुझसे कर रहे हैं, आज मैं गई थी, स्वामी समर्थ को ये बहुत मानते हैं, और इनके लिए 6 महीने पहले जब हम दोनों मिले तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आई वॉज अ नॉन वेजिटेरियन अर्लियर, लेकिन ये वेज खाते हैं, तो मैंने वो मुझे ऐसा लगा अंदर से ऐसी इच्छा हुई कि नहीं मैं भी अब वेज खाऊंगी और आई विल ऑल्सो गो ग्रीन, तो मैंने तब से बंद किया है और तब से मैंने भी काफ़ी श्रद्धा के साथ में, क्योंकि मैं हनुमान भक्त हूँ बचपन से ही, 2.5 साल की उम्र से मैं हनुमान भक्त हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम, ही ऑल्सो सेज दैट, तो अब मैं भी उनको काफ़ी मानती हूँ, तो आज मैं गई थी और जब मैंने उनकी आँखों में आँखें डालकर बोला तो मैंने यही बोला कि ये जो साथ है हम दोनों का, ये अब 7 जन्मों से भी ज़्यादा गहरा हो गया है, जो आज मेरे साथ जो भी चीज़ें इन्होंने की हैं, ये इनको शायद आइडिया भी नहीं होगा, नहीं जो भी इनको शायद आइडिया भी नहीं है कि हाउ डीप इट वॉज फॉर मी, क्योंकि मेरे पास, मुझे नहीं याद है कि ज़िंदगी में कभी भी मेरे लिए किसी ने भी इतना कुछ किया है, और मैंने हमेशा बहुत पेशेंटली उस एक इंसान का जो ये है वेट किया है, और ये बात सबको पता है, इनफैक्ट मेरे सारे फ्रेंड्स को पता है, ऑल द मीडिया पीपल, मैं बहुत पका चुकी हूँ कि एक दिन वो आएगा सोलमेट और ऐसा होगा और ऐसा होगा, सो आई हैव ऑलवेज वेटेड फॉर दिस एक्सक्लूसिवली एंड आई एम ग्लैड दैट आई डिड एंड आई गॉट हिम इन माय लाइफ। ओके, एनीथिंग यू लाइक टू ऐड? वेल या विंध्या जैसी मॉड दिखती है वो बिल्कुल नहीं है, विंध्या की छोटी छोटी चीज़ें जिससे मुझे प्यार हो चुका है, और उन्हीं छोटी चीज़ों की वजह से प्यार हुआ एक्चुअली। विंध्या जब बच्चों के जैसे बात करती है, जब ये सैड होती है और मुझे पता चल जाता है बेसिकली, तो मैं इसको पूछता हूँ, तू सैड है क्या? मैं तो सैड हूँ। तू हैप्पी है क्या? तो हैप्पी हूँ। डॉग? बाउ। बिल्ली? पैरट? <मिठू। laughs> तो विंध्या की काफ़ी खूबसूरत चीज़ें हैं जो इसकी अब तक किसी के सामने नहीं आई है, और कहते हैं ना, हर जैसे हमारा रिश्ता कमिटमेंट से शुरू हुआ है, हर मर्द हर इंसान ज़िंदगी में थम जाना चाहता है, लेकिन थमना किसके साथ चाहता है? एक ऐसा इंसान जो डिज़र्व करता हो। विंध्या वो लड़की है जो मेरी लाइफ में आई है, जिसको देखकर मुझे लगा कि बस अब थम जाना चाहिए।
बस यही कहूँगी कि अपना आशीर्वाद और बहुत सारा प्यार हमें दीजिए. अब तो हमारी एक और ज़िंदगी आगे चलकर शुरू होने वाली है और बर्थडे में यही विश है कि हम एज एन एक्टर आपको सालों तक एंटरटेन करते रहेंगे क्योंकि हमारा यही काम है और बदले में सिर्फ आपका प्यार चाहिए जो आप हमेशा देते हैं और आगे भी देते रहेंगे क्योंकि हम बहुत मेहनत करेंगे और आपका जो दिल जीता है वो हमेशा जीतते रहेंगे. वेल तो देखा आपने कि बाकी टीवी स्टार्स की तरह इन दोनों की लव स्टोरी भी है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग. जहां रिसेंटली विंध्या के बर्थडे पर उनके बॉयफ्रेंड ने यानी कि मिस्टर मोटवानी ने दिया उनको इतना खूबसूरत सा सरप्राइज, तो वहीं एक दूसरे के साथ प्यार में डूबे ये दोनों अक्सर आते हैं नजर. आपको कैसे लगी इन दोनों स्टार्स की खूबसूरत सी लव स्टोरी हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि यहाँ मिलती है आपको लव स्टोरी से लेकर आपके स्टार्स की पूरी लाइफ जर्नी अपडेट.